नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। शहर की पल पल की खबरों के साथ मैं प्रिंस राज। आज की खबरों की शुरुआत सुर्खियों के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। बुझा वीडियो के आदेश से एक लाभुक से 50,000 रुपए घूस लेते पटना निगरानी टीम के द्वारा गिरफ्तार चालक प्रदीप कुमार गया जेल, बुझा वीडियो फरार। सदर थाना क्षेत्र के अतरदा गुप्ता कॉलोनी से दो घरों में 20 लाख से अधिक की संपत्ति छुए। नगर थाना क्षेत्र के साहू रोड में चलते रिक्शा से गिरकर नरमा के एक युवक की हुई मौत। मुसहरी में राज्य के कृषि मंत्री ने कृषि भवन का उद्घाटन करने के साथ 25 करोड़ की लागत वाली योजनाओं का किया शिलान्यास। और इस्कॉन के द्वारा एलएस कॉलेज परिसर से नगर में पहली बार निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ। अब खबरें विस्तार से। पटना निगरानी टीम द्वारा घूस लेते पकड़े गए बुझा बीडीओ के चालक प्रदीप कुमार को निगरानी अदालत ने जेल भेज दिया। वहीं फरार बीडीओ की तलाश की जा रही है। मंगलवार की देर शाम पटना निगरानी टीम के द्वारा 50,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए बोचहा बीडीओ नील कमल के चालक प्रदीप कुमार को बुधवार को विशेष निगरानी अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दर्शकों को बता दें कि मंगलवार की शाम चालक प्रदीप कुमार बोचहा बीडीओ नील कमल के आदेश पर प्रधानमंत्री आवास योजना के एक महिला लाभुक से वीडियो के बोचहा स्थित आवास पर ही 50,000 रुपए रिश्वत लिया था। इस बीच एक महिला लाभुक की शिकायत पर पटना निगरानी की टीम ने चालक प्रदीप कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद कुमार को हम लोग अभी कोर्ट में हाजिर किए, उसके बाद जेल ले जा रहे हैं। खुद ही राम बोस जेल में इनको हैंड ओवर करेंगे। क्या क्या चार्जेज लगाए गए? ये वीडियो के ड्राइवर थे, वीडियो साहब बोले कि ड्राइवर को ही पैसा दे दीजिए। पहले वीडियो साहब के द्वारा डिमांड किया गया था, मोबाइल पर भी बोले कि चालक को दे दीजिए। तो 50,000 रुपया लेते हुए रंगे गिरफ्तार किए गए। वीडियो साहब पर अनुसंधान जारी है, कार्रवाई होगी। उधर रिश्वतखोरी में पकड़े गए बुझा बीडीओ नील कमल का चालक प्रदीप कुमार स्वयं को निर्दोष बता रहा है, जबकि घटना के बाद से बुझा के बीडीओ फरार है। लगे हैं उसके बारे में कुछ कहना है आपको? ना, हम क्या कहेंगे। काजी महतपुर थाना क्षेत्र के कल्याणी नागा के समीप बाइक से हुई दुर्घटना में बाइक सवार और एक स्थानीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कल्याणी नाका के समीप हरिसभा चौक की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे एक बाइक सवार ने सड़क पार कर रही महिला को ठोकर मार दी। इस घटना में प्राव पोखर की रहने वाली विमला देवी और बाइक सवार धर्मपुर निवासी प्रभात कुमार दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। ऊपर से आ रहा था ओवरटेक करके, लेडीज इधर से आ रही थी, गाड़ी पलटी मारा और लेडीज गाड़ी के ऊपर से पलट के ही पट्टी गिरी है। लेडीज गाड़ी वाला की ही गलती है, बाकी लेडीज की गलती है। घायल भी है? हाँ घायल, उसका हाथ टूट गया लेडीज। बराबर यहाँ पे लोग तेजी में गाड़ी चलाते हैं? हाँ बराबर बराबर, बाइक वाला ही गाड़ी तेजी में चलाता है। इतना अल्टर गाड़ी हाँक रहा था कि और गाड़ी कोई पलटी खाया, तब लेडीज के कमर पर लगा, तब लेडीज गिरी। जदयू नेता प्रशांत किशोर द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जदयू में शामिल कराए जाने के मामले ने एनडीए में स्थानीय स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया है। मंगलवार को युवा छात्र मिलन समारोह में जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जदयू में शामिल कराने का मुद्दा अब तूल पकड़ लिया है। विद्यार्थी परिषद के नेताओं और भाजपा के नेताओं ने इसे गंभीरता से लिया है और जदयू के युवा नेता प्रशांत किशोर द्वारा किए गए इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि एक तरफ एनडीए के बड़े नेताओं द्वारा गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं प्रशांत किशोर एनडीए को कमजोर करने में लगे हैं। भाजपा नेता का कहना है कि इस मामले से उन्होंने प्रदेश स्तरीय नेताओं को अवगत करा दिया है। माननीय प्रशांत किशोर जी हमारे एनडीए के शीर्ष नेता हैं, पार्टी के संगठन के मजबूती के लिए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि जब एनडीए के परिवार के ही तोड़ने का काम अगर करेंगे तो मजबूती नहीं आएगी। हम सभी एनडीए के साथियों को, शीर्ष नेताओं को, दूसरे दल से, दूसरे विरोधी दल से दूसरे अच्छे लोगों को लाने का काम करें, जिससे कि हमारा एनडीए मजबूत हो। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को कोई बांध के नहीं रख सकता है, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वोटर हो। निश्चित रूप से एबीपी यानी युवा वर्ग है, युवा वर्ग को समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। युवा हमेशा भटकते रहता है, तो निश्चित रूप से युवा हमारे वायु की तरह होते हैं,
जल की तरह होते हैं, सफ़ेद कागज़ की तरह होते हैं, जिस तरह का रंग लोग चढ़ाता है उस पर चढ़ जाता है। तो मैं अपने प्रदेश के नेताओं से मैंने बात किया है और इस पर अगली बार से ध्यान रखा जाएगा, ऐसी गलती ना हो। मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि हम ना उनको तोड़े, ना वो हमको तोड़े, ना LJP को तोड़े, हम सभी एक साथ रहें और एक साथ NDU को मजबूत करें, जिससे कि हम लोग अगला जो सरकार बनाने का हमारा जो मिशन है वो सफल हो। लेकिन इस घर से उस घर में गए हैं, खुशी की बात है। जहाँ भी रहेंगे NDU के लिए काम करेंगे, मोदी जी के लिए काम करेंगे। सदर थाना क्षेत्र के अतरदह गुप्ता कॉलोनी में चोरों ने एक ही भवन के दो फ्लैट से 50,000 नगद सहित 20 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ले गए। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुप्ता कॉलोनी स्थित विद्युत कर्मी JP सिन्हा तथा उनके किराएदार के बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने 50,000 रुपए नगद सहित 20 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। घर के लोगों ने बताया कि JP सिन्हा श्राद्ध कार्य में भाग लेने अपने गांव गए थे, उनका किराएदार भी अपने पैतृक गांव चले गए थे। चोरों ने दोनों बंद घरों को निशाना बनाते हुए भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। के पहले भी इस डेरा में चोरी हो चुकी है, जिसकी सूचना सदर थाना को दी हुई है। सदर थाना आकर के कहा कि भाई देख रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं और न किसी को पकड़ा गया। और यहाँ के प्रशासन पर है कि चौक पर मीटिंग हुई थी और पुलिस प्रशासन के लोग भी थे और मीटिंग जगह चिन्हित करके बताया गया कि यहाँ जुआ का अड्डा है, नशा का नशाखोरी है, छीन छोर हो रहा है। इतर इस जगह सारा इतना विषाक्त हो चुका है कि लोग को रहना है, अब तो लोग महला चाहता है कि महला लोग छोड़ करके टाउन से चले जाए। और ये रात में यहाँ ताला बंद करके, इसमें अभी इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, जिसके कारण यहाँ कार्य में लोग सब लोग यहीं थे। इसके बाद अभी तुरंत लोग निकले हैं, सब लोग जॉब में है, किसी कोई ना कोई बिजली बोर्ड में है, कोई NTPC में है, उसमें अपने जॉब में गए थे, इसके बाद बंद करके गए थे। कल भी लोग बगल में था, कल नहीं था, रात में सवेरे देखा गया कि ताला टूटा हुआ और केमार तोड़ करके ले गया। यहाँ पे मतलब ऐसे तो हमेशा कोई ना कोई रहता ही था, लेकिन पिछले मेरी माँ का देहांत हुआ है 5 फरवरी को, तो 22-23 तक हम लोग गए हैं यहाँ से। इसके बीच में आके हम बगल काटी में रहते हैं, बीच में आके हम एक बार दो बार विजिट भी किए हैं, सब ठीक ठाक था। मेरे रेंटर थे, वो भी रहा करते थे, कल रात में वो नहीं रहे हैं बस, तो उनके यहाँ भी अच्छे से किया है, बहुत बर्बादी किया है उनका, तो बेचारा का बहुत मतलब लॉस किया है। और हमारे यहाँ का तो हाल देख ही रहे हैं। इससे पहले में चोरी हुआ था 16 दिसंबर में। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों घरों की जांच पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि दर्ज प्राथमिकी को आधार पर कार्रवाई की जाएगी। SSO सदर महोदय के द्वारा जो है से हमको घटनास्थल पर भेजा गया और घटनास्थल पर मैं आकर के ये सारे चीज को देखा और जांच किया। जांचोपरांत ऐसा पाया गया कि इनके घर में चोरी की गई है अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। आगे की अनुसंधान, इनकी आवेदन देने के बाद हम लोग अनुसंधान करेंगे, चोरों को पकड़ धकड़ करेंगे, पकड़ के उसको कार्रवाई करके जेल भेजेंगे। लोकल जो टी रेंट से उन्हीं के ऊपर आरोप है कि स्थानीय जो किराएदार वगैरह सबको चिन्हित कर किया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसको छापामारी हम लोग करेंगे। इनको द्वारा जो है विशेष रूप से बताया जाएगा कि इन्हीं लोग के द्वारा किया जा रहा है, हम कार्रवाई में कभी भी कमी नहीं करेंगे। किराएदार के वेरिफिकेशन का आदेश आया, उस पर क्या कुछ कैसे काम होगा? किराएदार के वेरिफिकेशन आगे जो है वरीय पदाधिकारी महोदय के हम बता रहे देंगे कि ऐसे ऐसे जो है बताया गया है कि किराएदार के बारे में कि जो है चिन्हित किया गया है कि वो लोग भी इसका इसमें हाथ है। 2016 में भी यहाँ पे चोरी हुआ था इसी घर में। 2016 के बारे में तेलुगु द्वारा बताया गया, क्योंकि मैं तो यहाँ नहीं था। क्या अभियान कितना लग रहा है, क्या कैसे कुछ है, अमाउंट क्या है, क्या बताएंगे? अमाउंट के बारे में अभी नहीं बतलाए हैं, ये बोले हैं कि हम जो है अपना देख लेते हैं इसको। नगर थाना क्षेत्र के साहू रोड में बुधवार को रोड ब्रेकर पार करने के क्रम में चलती रिक्शा से गिरे नरमा हथौरी के एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के साहू रोड में चलती रिक्शा से गिर जाने से एक व्यक्ति की वहीं मौत हो गई। मृतक की पहचान हथौड़ी थाना क्षेत्र के नरमा ग्राम निवासी किशुन साह के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि बुधवार को किशुन साह जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए मुजफ्फरपुर आए थे। निबंधन कार्यालय से होकर वे हरिसभा चौक के पास अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। इसी क्रम में साहू रोड में ब्रेकर पार करने के दौरान रिक्शा से गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। आए थे यहाँ कचहरी में जमीन लिखाने और लेट होने का नहीं बोले हैं, जा रहे हैं थोड़ा घूम कर आते हैं और उसी आधे घंटे के बाद उधर से वहाँ कहीं गिर गए हैं, वहाँ दीपक सिनेमा के पास।
तो वहाँ से बोला कि मतलब आपका आदमी गिर गया हुआ, तो हम लोग यहाँ से रिक्शा लेकर के वहाँ गए तो देखते ही देख रहे। पहले से इनको कोई बीमारी या कुछ? हार्ट का प्रॉब्लम था पहले से ही था। नाम क्या है इनका? सिरकुशन सर। आपका नाम? उधर घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पुलिस दीपक सिनेमा से आगे भीड़ लगा हुआ सेंटर होम से आगे, तो उसको सूचना को सत्यापन करने के लिए हम जब यहाँ आए तो देखे जो भीड़ भाड़ तो लगा हुआ है और एक आदमी गिरा हुआ है। लोगों से पूछने पर ये पता चला कि रिक्शा से जा रहे थे, अचानक गिर गए और मौत हो गई। यहाँ पर लाए तो डॉक्टर के द्वारा मृत्यु होने की पुष्टि की। मृतक की पहचान हो पाई? हाँ, मृतक के परिजन आए हैं, रो रहे हैं। फोन किया गया, उनके पास मोबाइल था, पहले ही लोगों के द्वारा फोन किया गया था उनके परिजन को, तो लोग आ गए हैं। राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बुधवार को मुशहरी में नवनिर्मित कृषि भवन का उद्घाटन किया, वहीं 25 करोड़ की लागत वाली योजनाओं का शिलान्यास भी किया। जिला के मुशहरी प्रखंड के प्रसार प्रशिक्षण केंद्र के प्रांगण में संयुक्त कृषि भवन का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। साथ ही कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने 25 करोड़ 41 लाख की योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसमें प्रमुख रूप से वैसे योजनाएं शामिल हैं जो कृषि के आधारभूत संरचना का निर्माण करती है, जिसमें मुख्य रूप से लंबे समय से मांग की जा रही है। बिहार के 54 बाजार समिति में 23 बाजार समिति प्रांगण का जीर्णोद्धार किया गया जाएगा, जिसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। इस मुजफ्फरपुर बाजार समिति के उद्धार में 16 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। खबरें अभी और भी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। चल शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है, प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57 अहियापुर मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525 587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू 9th फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है।
तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। यही मेंस में मुझे 98% डायल आया है, इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस का को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि LTs ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है, मुझे 95.49% डायल आया है जेई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, इसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेई मेन 2019 में 94.6% डायल आया है, इसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेई मेन 2019 में 94.3% टाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। अ यूनिक स्कूल इन द हार्ट ऑफ द टाउन, लेविस कैरोल स्कूल, केदारनाथ रोड, मुजफ्फरपुर। CBSE करिकुलम provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities. For the
overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स, इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। दिस स्कूल प्रोवाइड्स अ गुड गाइडेंस एंड हेल्दी एजुकेशन टू बिल्ड द गोल्डन करियर ऑफ द स्टूडेंट्स। बिसाइड प्रोवाइडिंग बेसिक एजुकेशन, वी फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। फ्रॉम वेरी बिगनिंग वी एम्फेसाइज देयर पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डिबेट, डिक्लामेशन, एक्सटेम्पोर, क्विज and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 9334270099. ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभा कक्ष में व्यय अनुश्रवण कोषांग का द्वितीय प्रशिक्षण संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभागार में व्यय अनुश्रवण कोषांग का द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उम्मीदवारों के चुनाव संबंधी खर्च का लेखा जोखा रखने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इस्कॉन के द्वारा नगर में LS कॉलेज परिसर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस्कॉन पटना द्वारा मुजफ्फरपुर शहर में भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। 40 फीट ऊंचे मनोरम रथ पर भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव एवं देवी सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित थी। इसके अलावा हाथी, घोड़ा, ऊंट तथा बैंड बाजों के साथ निकली लंबी शोभा यात्रा में इस्कॉन भक्तों एवं शामिल आम श्रद्धालुओं हरे कृष्णा महामंत्र का उद्घोष किया गया। रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रथ यात्रा के दौरान कई स्थानों पर संस्था के सदस्यों द्वारा रथ का भव्य स्वागत किया गया। इस्कॉन पटना केंद्र के अध्यक्ष श्री कृष्ण कृपा दास जी ने बताया कि यह आयोजन लगभग 5,500 वर्ष पूर्व द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के लीला काल से ही चल रही है। हरे कृष्णा, सबसे पहले हम आज दिनांक 6/3/2019 हमारी रथ यात्रा मुजफ्फरपुर में कर रही है। मुजफ्फरपुर वासियों
का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज पहली बार मुजफ्फरपुर में हम लोग हवन चढ़ना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं, कितने लोग दूर से हमारे भक्त आए, देश विदेश से, भारत के विभिन्न प्रांतों से भक्त आए, और मतलब आप उनका उत्साह आपको देखते ही बन रहा है। दूसरी बात कि हम एक घोषणा भी किया हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरपुर में, हम केंद्र की इस्कॉन केंद्र की स्थापना करेंगे, वो जल्दी इस्कॉन केंद्र की स्थापना करेंगे, जहाँ से प्रभात ने 1966 में शुरुआत किया था अमेरिका का, आज वो मुजफ्फरपुर अछूता ना रहे, इसके लिए हमारा ये प्रथम प्रयास है, ये उसके प्रयास का ये प्रथम चरण है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आज देख रहे हैं कि सारे लोग उत्साहित हैं, पूरे महीना से पूरे इस्कॉन पटना पूरी मेहनत के तैयारी, आप मेहनत का फल दिख रहा है कि आज भगवान जगन्नाथ जी स्वयं विराजे हैं जगन्नाथ मुजफ्फरपुर शहर में। हम मुजफ्फरपुर वासियों से अपील करेंगे, मुसहरी थाना क्षेत्र के एक साल पहले दर्ज कराई गई प्राथमिकी के दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय में धरना दिया। समाहरणालय में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के बुचहा मुसहरी प्रखंड कमेटी ने जिले में बढ़ते अपराध के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। CPI के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नीतीश सरकार में भू माफिया समेत गुंडों का मनोबल बढ़ रहा है। CPI ने कहा कि बिहार के अंदर दलित और अल्पसंख्यक एवं कमजोर लोगों पर लगातार हमला हो रहा है, लेकिन इस पर लगाम लगाने में पुलिस प्रशासन विफल है। भाकपा माले मुसहरी प्रखंड और बुझा प्रखंड कमेटी के द्वारा दो मांगों के लेकर किया गया, एक तो मुसहरी कांड संख्या 50-18 जो ये घटना लगभग एक साल पहले वहाँ के 22 जो है पर्चा दलित पर्चाधारी को पर्चा मिला हुआ था आथर में, वो अपने जमीन में झोपड़ी गाड़े हुए थे, उसके बाद जो है कि बचे हुए जमीन में तोरी का फसल लगाए हुए थे। वहाँ के पर्चाधारी ने जब जो है फसल काटने के लिए गए वहाँ जमीन पर, तो पुलिस के मौजूदगी में वहाँ के दमंग भू माफिया पंकज ठाकुर और उसके सहयोगी द्वारा जानलेवा हमला हुआ, जिसमें दर्जनों महिला पुरुष जो है घायल हुए। मेन पृष्ठ में वो छपा, हम लोगों ने उसके गिरफ्तारी के लिए के मुसहरी थाना से लेके बड़े पदाधिकारी तक आंदोलन के माध्यम से, डेलीगेशन के माध्यम से लगातार कहते रह गए कि दमंग जो है पंकज ठाकुर को गिरफ्तार किया जाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बालिका गृह कांड के अभियुक्त को फांसी देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। बालिका गृह कांड के मुख्य अभियुक्तों को फांसी की सजा देने तथा इस कांड के अभियुक्तों को बचाने में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामदयालु नगर RDS कॉलेज के समीप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। आज आगामी 25 फरवरी से बालिका गृह कांड को लेकर 25 फरवरी से आज तक हमारे जो है ना तीन साथी आम आदमी पार्टी के गर्दनीबाग पटना में आमरण अनशन पर हैं और नीतीश सरकार से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा की मांग इसलिए कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने CBI को ये कहा है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संलिप्तता की जांच की जाए। जब यह बात सामने आई तो नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यौ में कला साहित्य और सांस्कृतिक चेतना जागृत करने के लिए राष्ट्रीय रंगलोक संस्था अभियान चलाएगा। राष्ट्रीय रंग लोक संस्था साहित्य कला संस्कृति के लिए समर्पित है। साहित्य के नई पीढ़ी की अभिरुचि बढ़ रही है, ये बातें राष्ट्रीय रंग लोक मंच के सदस्य डॉक्टर कुमार विरल ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि ये संस्था युवा पीढ़ी के भीतर साहित्य कला संस्कृति चेतना को जगाना है। अब संस्कृति से समाज का सांस्कृतिक पतन हो रहा है, उसे संरक्षित करने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। राष्ट्रीय रंग लोक साहित्य कला और संस्कृति के लिए समर्पित एक संस्था का निर्माण किया है, जो पूरे देश के स्तर पर पहले जिले से शुरू करेंगे और पूरे फिर स्टेट लेवल पर ले जाएंगे और फिर पूरे देश के स्तर पर यह काम होना चाहिए और यह संस्था करने के लिए कटिबद्ध है कि नई पीढ़ी जो हमारी है वो हमारे साहित्य से कटती जा रही है। आज न वो हमारे पुराने कवियों को बल्कि वर्तमान कवियों को भी नहीं जानती, तो जब हम साहित्य और कला और संस्कृति से कट जाएंगे तो हम पशुवत हो जाएंगे और आज जो समाज में जो भ्रष्टाचार और विभत्स जो वातावरण बना हुआ है उसका मुख्य कारण है कि हम अपने बच्चों को
विज्ञान की शिक्षा तो देते हैं, उसे व्यावसायिक शिक्षा तो देते हैं, परंतु उसे एक आदमी बनाने की शिक्षा हम नहीं देते हैं। इस प्रकार यह पीढ़ी, नई पीढ़ी बिल्कुल साहित्य, कला और संस्कृति से कटती जा रही है और एक अपसंस्कृति का दौर आ गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझसे हमारी पूरी न्यूज टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।